गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन माय कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह हम पुराना ही जो हमारा टॉपिक चल रहा था इंटरनेट एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज, उसके अंदर हम दी जाने वाली सुविधा ईमेल के बारे में आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। वैसे मैं आपको ईमेल के बारे में थोड़ा बहुत परिचय पहले भी अपनी क्लास में दे चुकी हूँ, लेकिन आज हम ईमेल का विस्तृत अध्ययन हमारी इस क्लास में करेंगे। ईमेल के बारे में हम जानेंगे, ईमेल होता क्या है, किस प्रकार से होता है, ईमेल के लाभ क्या होते हैं, और कौन कौन सी हमारी जो इंटरनेट है हमें कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशंस देता है जिनके माध्यम से हम ईमेल अपना कर सकते हैं। तो ईमेल, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि ईमेल क्या होता है, व्हाट इज ईमेल। तो ईमेल का जो पूरा नाम है वह है इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम मेल कहते हैं और इसे हम शॉर्ट रूप में अधिकतर ईमेल के नाम से ही जानते हैं। तो इसका पूरा नाम जो होता है वह इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। हमारे जो प्रारंभिक नेटवर्कों पर कार्य करने वाले जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने यह महसूस किया जबकि नेटवर्क के माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच में ऐसा संचार करवाया जा सकता है जिसमें टेलीफोन संचार की गति और डाक जैसी विश्वसनीयता हो। यानी कि उन लोगों ने ऐसा महसूस किया कि हम इंटरनेट के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में, जो दो व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने में कितनी भी दूरी पर एक दूसरे से बैठे हुए हों, उन दोनों व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप करवाया जा सके या अपना संदेश उस दूसरे व्यक्ति को भेजा जा सके जिसमें टेलीफोन जैसी संचार की गति हो। यानी कि जिस प्रकार से टेलीफोन के द्वारा हम बहुत जल्दी अपने किसी भी मैसेज को दूसरे व्यक्ति के पास में, विश्व के किसी दूसरे कोने में बैठे हुए व्यक्ति के पास में सेंड कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम ईमेल, किसी ऐसी सुविधा के बारे में उन्होंने सोचा कि जिसमें टेलीफोन जैसी इस तरह की तीव्र गति वाली सुविधा हो और दूसरा उसमें डाक सेवा की तरह, जिस प्रकार से डाक के माध्यम से हम डाक के ऊपर हम विश्वसनीयता हमारी रहती है, उस विश्वास के साथ में ऐसी कोई सुविधा हो जिसके अंदर ये दोनों सुविधाओं के गुण हो, टेलीफोन और टेलीफोन लाइन और डाक सेवा दोनों के गुण जिसके अंदर हो, ऐसी किसी सुविधा के बारे में उन्होंने महसूस किया था। और एक जो कंप्यूटर होता है वह छोटे नोट्स या लंबे दस्तावेजों को किसी नेटवर्क पर अत्यधिक तीव्र गति से स्थानांतरित कर सकता है। इस नवीन प्रकार की संचार सेवा को इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जाना गया, जिसे हम शॉर्ट रूप में ईमेल के नाम से जानते हैं। तो यानी कि हमें यहाँ समझ आता है अच्छी तरह से, आप सभी आशा करती हूँ कि समझ गए होंगे कि ईमेल का मतलब क्या है। ईमेल का मतलब है कि हम कितनी भी दूरी पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को यदि अपना संदेश पूरी विश्वसनीयता के साथ भेज सके, यानी कि इस चीज़ का विश्वास हो हमें भी और प्राप्त करने वाले को भी कि वह चीज़ हमारी किसी दूसरे व्यक्ति के पास में पहुँच जाएगी, इस तरह की जो सुविधा है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि ईमेल जो है वह वर्तमान समय में कंप्यूटर के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली सुविधा है। पहले यह सुविधा हमारे पास में नहीं थी, इंटरनेट के आने के बाद में हमें यह ईमेल की सुविधा प्राप्त हुई है। ईमेल किसी भी व्यक्ति, किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा, चाहे दूसरा व्यक्ति विश्व के किसी कोने में बैठा हो और आप विश्व के किसी भी कोने में बैठा हो, तो आप उस ईमेल को किसी दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं। दूसरा, इसमें जो है कोई भी हम मेल, कोई भी संदेश भेज सकते हैं और संदेश के साथ में हम कोई भी अटैचमेंट फाइल, हमें कुछ और भी यदि उसके साथ में भेजना है तो हम उसमें अटैचमेंट के द्वारा उसे भेज सकते हैं। और इसका जो यहाँ पर यदि हम देखें कि ईमेल के मुख्य मुख्य लाभ क्या हैं, उसके बारे में यदि हम जानकारी करें तो उसमें सबसे पहले आता है ईमेल के लाभ में, एक तो हम देख सकते हैं कि जो ईमेल की जो सुविधा है प्रतिदिन करोड़ों लोगों द्वारा हमारे यहाँ पर काम में ली जाती है और इसने धीरे धीरे एक साधारण पत्र लेखन जो होता है उसकी जगह ले ली है। यानी कि पहले जो पत्र लेखन के द्वारा हम काम करते थे वह आजकल लोग पत्र ना लिखकर इस ईमेल सुविधा का प्रयोग अत्यधिक करने लग गए हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ईमेल सेवा के, हमारे ईमेल सुविधा के
कि इसके क्या मुख्य मुख्य लाभ होते हैं जिसकी वजह से इसका चलन इतना अत्यधिक बढ़ गया है। तो सर्वप्रथम हम देख सकते हैं तीव्रता इसका पहला लाभ है, यानी कि यह जो सुविधा है वह बहुत अधिक तीव्र होती है। हम कुछ ही सेकंडों के अंदर अपनी ईमेल को कंपोज करके किसी दूसरे व्यक्ति के पास में भेज सकते हैं। और इसमें आपको यह भी पता चल जाता है कि जब आपने ईमेल भेजा है और किसी रिसीवर के पास में ये ईमेल जब पहुंचा है, तो हमें यह भी पता चल जाता है कि यह ईमेल किसी सामने वाले व्यक्ति के पास में पहुंचा है या नहीं, क्योंकि जैसे ही उसके पास में पहुंचता है तो हमारे पास में भी एक मैसेज आ जाता है और उसके द्वारा कब वह पढ़ा गया उसके बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कितनी भी दूरी पर आप ईमेल करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा दूरी पर ईमेल करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और कम दूरी पर करेंगे ईमेल तो टाइम कम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितनी भी दूरी पर बैठकर इस ईमेल को करेंगे तो सेम टाइम में ही वह ईमेल दूसरे व्यक्ति के पास में पहुँच जाएगा। सेकेंड जो इसका लाभ है वह है आसान, यानी कि इसको करने में बहुत ही यह जो ईमेल की जो करने की सुविधा है ये बहुत ही इजी होती है, कोई सामान्य व्यक्ति आराम से ईमेल कर सकता है। जब आप ईमेल सुविधा को शुरू करते हैं तो आपको उन संदेशों की सूची दिखाई देती है जो आपने प्राप्त किए हैं, तो आप आसानी से उन्हें पढ़ भी सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने आपको कुछ ईमेल्स भेजे हैं और आप जैसे ही अपने ईमेल सुविधा को शुरू करते हैं तो आपके पास में बॉक्स के अंदर सारे ईमेल्स आ जाते हैं जो जो आपके पास में आए हैं, तो आप आसानी से उन्हें पढ़कर पढ़ सकते हैं। और उन्हें पढ़कर आप यह भी तय कर सकते हैं कि किसका प्रत्युत्तर देना है किसका नहीं देना है, मतलब आप जब भी चाहें जैसे भी चाहें उसको आसानी से कंपोज भी कर सकते हैं और आए हुए मेल्स को हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं। थर्ड इसका जो लाभ है वह है अत्यधिक सुविधाजनक। यह जो हमारी ईमेल की सुविधा है वह बहुत अधिक सुविधाजनक है, पारंपरिक जो हमारी डाक सेवा थी उससे ज़्यादा अधिक यह हमारी सुविधाजनक है। यदि हमें कोई एक मेल, एक ही मेल हमें बहुत सारे लोगों को भिजवानी है, जैसे कि कोई आपको कोई मैसेज देना है और वो एक मैसेज ही हमें बहुत सारे लोगों को भेजना है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसे बार बार में कंप्यूटर से टाइप करेंगे और उसको फोटो कॉपी करवाएंगे या फिर उसकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार ईमेल को टाइप करके उसके बाद में कितने भी लोगों को उसी ईमेल को एक साथ में भेज सकते हैं, तो इस वजह से यह बहुत अधिक सुविधाजनक भी माना जाता है। और नेक्स्ट है अत्यधिक सस्ता। जो ईमेल की सुविधा होती है वह पारंपरिक डाक सेवा से बहुत सस्ती पड़ती है और टेलीफोन लाइन से भी बहुत सस्ती पड़ती है, क्योंकि जो ईमेल जो हमारा डाक के द्वारा जब हम किसी पोस्ट को किसी भी चीज़ को हमारी को कोई लेटर लिखकर हम किसी दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं तो सबसे पहले तो वह इस चीज़ पर निर्भर करता है कि आप कितनी दूरी पर उसे भेज रहे हैं, तो जितनी दूरी पर आप भेज रहे हैं उसी अनुसार आपका व्यय उसमें होता है। आपको एक टिकट भी खरीदना होता है फिर उसको दूरी के हिसाब से उस पर व्यय भी करना होता है, लेकिन ईमेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ईमेल में आप किसी भी मेल को कितनी भी दूरी पर किसी भी व्यक्ति को भेजें उसमें समान ही व्यय होगा, चाहे तो आप अपने शहर के किसी व्यक्ति को भेजें और चाहे किसी दूसरे विश्व के किसी दूसरे देश को आप उस ईमेल को भेजें, उसमें आपका सेम ही व्यय होगा, सेम ही खर्चा उस पर होगा। ऐसा नहीं कि दूर भेजने पर आपको कोई अतिरिक्त व्यय उसके ऊपर करना होगा, तो ये इसकी एक खास बात है कि इसका जो खर्चा है बहुत कम है। और मोटे तौर पर हम देखें तो शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा ₹2 के करीब इस पर ईमेल पर एक ईमेल पर खर्चा आता है, इसलिए यह बहुत अधिक सस्ती सुविधा इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली है। नेक्स्ट है मज़ेदार। जो हमारा ईमेल होता है वह अत्यधिक फन से पूर्ण होता है, क्योंकि इसमें आपको विश्व के किसी भी कोने में बैठे नए नए व्यक्तियों को अपना मित्र बनाने की सुविधा प्रदान करता है और हमें मौका मिलता है कि हम लोगों को जानें, विश्व के अन्य अन्य देशों में रहने वाले लोगों को जानें और उन्हें अपने मित्र बनाने का मौका हमें मिलता है। नेक्स्ट होता है अपनी मेल्स की सुरक्षा करना संभव। ईमेल की जो सुविधा होती है, हमारी जो परंपरागत जो डाक सेवा है
छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं कि जैसे हम लोग कहीं घर से बाहर गए हुए हैं और आपका पारंपरिक डाक सेवा के माध्यम से कोई पत्र कोई लेटर आपका आता है, आप घर पर उपस्थित नहीं हैं तो वह लेटर आपके घर पर आ जाएगा। और मान लीजिए आप घर से 15 दिन के लिए कहीं गए हुए हैं तो 15 दिन तक आप उस लेटर को पढ़ने से वंचित रहेंगे। लेकिन ईमेल सुविधा के अंदर हमें यह सुविधा मिलती है कि आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे हुए हों, आप उस ईमेल को कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, ट्रेन में भी पढ़ सकते हैं, अपने पर्सनल गाड़ी में भी पढ़ सकते हैं, जहाँ कहीं भी हो, आप ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कहीं पर भी हो, आप अपने ईमेल को उसमें पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको अपना बॉक्स खोलना होता है, मेल बॉक्स, और उसमें आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसको आप कहीं भी, जब भी आप किसी को कोई ईमेल भेजते हैं, तो मान लो जैसे आपने कोई 2-3 साल पहले कोई ईमेल भेजा है, तो उसे भी हम यदि सेव करके अपने मेल बॉक्स में रख लेते हैं तो कभी भी हम उस मेल को पढ़ सकते हैं और हमें यह पता लग सकता है कि हमने किस समय किस व्यक्ति को कौन सा मेल अपने कंप्यूटर से सेंड किया था। तो यह सुविधा भी ईमेल हमें प्रदान करता है। और इसकी जो सबसे बड़ी सुविधा होती है वह होती है ऑनलाइन होना आवश्यक नहीं होता। यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने अपन को ईमेल भेजा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दो व्यक्तियों के बीच में एक दूसरे को ऑनलाइन होना आवश्यक होता है। आप जब भी अपना इंटरनेट ऑन करेंगे आपके पास में आपका ईमेल आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब कोई व्यक्ति आपको ईमेल कर रहा है उसी समय रिसीवर को भी ऑनलाइन होना आवश्यक नहीं है। तो इसका ये बहुत मेन फीचर है कि इसमें ऑनलाइन होना दोनों को आवश्यक नहीं है। अब है हमारा कि ईमेल कार्य कैसे करता है, हाउ टू वर्क ईमेल। तो ईमेल जो कार्य करता है उसमें सामान्य रूप से ईमेल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजे जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक संदेश है। यानी कि हमारा जो ईमेल होता है वह एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जाने वाला यह इलेक्ट्रॉनिक संदेश है। इसके साथ आप अटैचमेंट की तरह व्यावसायिक और व्यक्तिगत संदेश भी हम भेज या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई पिक्चर्स हम भेज सकते हैं, फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स हम भेज सकते हैं, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी हम किसी भी व्यक्ति को इसमें भेज सकते हैं। जैसे एक लेटर विभिन्न पोस्ट ऑफिसों पर रुकता है, वैसे ही ईमेल भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर पास होती है और इस प्रकार से पूरे इंटरनेट पर फैल जाती है और यह संपूर्ण कार्य कुछ सेकंडों में ही पूर्ण कर लिया जाता है। और यह आपको किसी भी समय तीव्र संचार की अनुमति प्रदान करता है। ऐसा नहीं कि आप सुबह के समय ही ईमेल कर सकते हैं या रात के समय ही कर सकते हैं, जब भी आपका मन हो, जब आप फ्री हो, तब आप अपनी इच्छा अनुसार कभी भी ईमेल किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं। और ईमेल को उसी प्रकार से आगे भेजा जाता है जैसे इंटरनेट पर अन्य डाटा जाता है। TCP प्रोटोकॉल आपके संदेश को कुछ पैकेट्स में तोड़ देता है और फिर IP प्रोटोकॉल उन पैकेट्स को उनके गंतव्य तक पहुंचाता है। तो ईमेल सुविधा में प्रत्येक यूजर को एक मेल बॉक्स मिलता है जिसमें उसके पास आई हुई सारी मेल्स उपलब्ध होती हैं, एकत्र होती रहती हैं। ईमेल कैसे कार्य करता है इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे।
इस डायग्राम के माध्यम से हम हमारे ईमेल किस तरह से कार्य करता है उसके बारे में समझ सकते हैं। तो ये जो होता है, सबसे पहले हमारा भेजने वाला कंप्यूटर, यानी कि जो ईमेल भेज रहा है, संदेश को सेंड कर रहा है, वह कंप्यूटर है। इस तरह से यह कंप्यूटर किसी ईमेल को सेंड करता है। मान लीजिए कि इसका जो ईमेल आईडी है वह abc@redmail.com के नाम से इसकी आईडी है, और किसी दूसरे रिसीवर, सेंडर की आईडी है ये, और जो हमारा रिसीवर है उसकी आईडी है ईमेल आईडी xyz@yahoo.com इस नाम से है, और इसको यह मेल करना चाहता है। तो इस स्थिति में जो सेंडर है, सेंडर कंप्यूटर है, वह अपना ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम, यह जो ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम है, इसको यूज करके अपने ईमेल को भेजता है, और उसमें कुछ जानकारियां ये यहाँ पर मांगता है, जैसे कि 2cc bcc आदि एंट्रीज इसको कंप्लीट करनी होती है। हमको कंप्लीट करने के बाद में यह इसको सेंड करता है। तो यह सेंडर के मेल सर्वर पर पहुंच जाती है, यानी कि ये एबीसी कंप्यूटर सेंड करता है, ईमेल क्लाइंट पर जाकर ये सेंडर के मेल सर्वर पर पहुंच जाती है। यहाँ से रिसीवर के ईमेल सर्वर पर इस जो संदेश होता है इसको भेज दिया जाता है, और यह उसके पाए जाने वाले इसको चेक करता है कि जो उसने एड्रेस उसमें दिया होता है उसको चेक करता है। यदि वह मेल मिल जाता है तो वह उसको मेल सर्वर के पास में, रिसीवर के मेल सर्वर के पास में भेज देता है, और यहाँ से उसको ट्रांसमिट कर देता है। यदि यह यूजर मिल जाता है तो उस उक्त मेल को उस यूजर के मेल बॉक्स में डाल दिया जाता है। यदि वह यूजर नहीं मिलता, अर्थात उस नाम से कोई यूजर उस सर्वर पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस मेल को कुछ अतिरिक्त एरर रिपोर्ट के साथ में पुनः भेजने वाले के मेल बॉक्स में डाल दिया जाता है, जिसे हम बाउंस मेल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो हमारा कोई भी हम ईमेल किसी को मेल किसी को भेज रहे हैं, तो वो यहाँ से सेंडर के द्वारा भेजा जाएगा, उस ईमेल सेंडर की मेल क्लाइंट पर जाकर वह सेंडर के मेल सर्वर पर पहुँचेगा, और फिर TCP/IP जो प्रोटोकॉल होते हैं उनके द्वारा उसे रिसीवर के मेल सर्वर से चेक करके उसे उसके मेल क्लाइंट में डालकर फिर उसको रिसीवर तक पहुंचा दिया जाता है, और उसके मेल बॉक्स में डाल दिया जाता है। यदि जो उसने एड्रेस डाला है सेंडर ने, वो एड्रेस उस रिसीवर के एड्रेस से मिल जाता है, तो वह मेल उसके मेल बॉक्स में डाल दिया जाता है, और वह उस मेल को पढ़ सकता है। लेकिन यदि वह एड्रेस उससे मैच नहीं खाता है, तो वह मेल उसको वापस एक अतिरिक्त एरर रिपोर्ट के साथ में भेजने वाले के मेल बॉक्स में पहुंचा दिया जाता है, जिसे हम बाउंस मेल कहते हैं। यानी कि वह मेल उस सेंडर के द्वारा भेजे गए पते पर ना पहुंचकर वापस उसी को मिल जाता है, और उसके बाद में यह मैसेज भी आ जाता है कि इस तरह का कोई यूजर उसे, कोई भी रिसीवर उसे प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस तरह से एक ईमेल हमारा कार्य करता है। तो आज की हमारी क्लास में ईमेल के बारे में हमने जो विस्तृत अध्ययन किया, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इससे जान गए होंगे कि ईमेल क्या होता है, और ईमेल के मुख्य जो लाभ होते हैं वो क्या होते हैं, जिसकी वजह से आज के वर्तमान युग में हमारे ईमेल का अत्यधिक चलन बढ़ गया है। तो आज की हमारी इस कक्षा में हम यहीं अपनी अध्ययन को विराम देते हैं। धन्यवाद।